नमस्कार साथियों, जय भीम। अंबेडकर नामा के 42वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाड़ आंदोलन की, जो 1927 में हुआ था। और यह आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास में दलितों ने पहली बार एक सशक्त प्रतिरोध का आगाज किया था। इस दृष्टिकोण से यह घटना ऐतिहासिक है और युगांतरकारी है। इसकी तुलना डॉक्टर अंबेडकर ने फ्रांस की क्रांति से की थी, तो कुछ हद तक सही है। दूसरी बात कि अंबेडकर की जो वैचारिकी बाद में बनी, जो संघर्ष उन्होंने किया, उसकी बुनियाद महाड़ आंदोलन में ही रखी गई थी। इसलिए इस आंदोलन को जानना और समझना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, पूरे अंबेडकर साहब की राइटिंग्स को पढ़ पाना और उसको आपके पास पहुंचा पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, कठिन काम है। इसलिए आज से मैं अपनी गति बढ़ाऊंगा, अब 2 के बजाय 3 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। कोशिश संभव हुआ तो ठीक है, नहीं तो 2 तो डालूंगा ही डालूंगा। तो पढ़ना और बोलना हमारा काम और सुनना और सुनाना आपका काम, ये कम से कम आपसे एक कमिटमेंट हम चाहते हैं। चलिए, बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं महाड़ आंदोलन की ओर। जैसा कि मैंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, तो इसका अगर जेनेसिस देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो थोड़ा सा 2-3 साल पीछे आपको चलना पड़ेगा कि मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में एसके बोले एक मेंबर थे, जिन्होंने 1923 में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसके अनुसार जो चावदार जो तालाब है महाड़ का, उसको अछूतों के लिए खोला जाए। यह प्रस्ताव पास हुआ और थोड़े बहुत संशोधन के बाद 1926 में इसको पास कर दिया गया, जो सरकार के हिसाब से वो कानून बन गया। इसके कानून बनने के बाद महाड़ नगर पालिका ने चावदार जो टैंक था, तालाब था, उसको सिद्धांत रूप से अस्पृश्यों के लिए खोल दिया कि अब इसमें कानूनी अड़चन नहीं है। लेकिन इसको बोले प्रस्ताव करते हैं, बोले रिजोल्यूशन जो मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया था। लेकिन जो नगर पालिका का जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ और वो सिर्फ एक सैद्धांतिकी बन के रह गया। और जो दबंग जो सवर्ण जातियां थी, उनके दबंगई के कारण दलित अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया। तो इस परिप्रेक्ष्य में तकरीबन 19 और 20 मार्च को 1927 19 20 मार्च 1927 को कुलाबा जिला के दलित वर्गों ने यह तय किया कि इस मुद्दे को लेकर एक सम्मेलन किया जाए। सम्मेलन की सूचना किस दिन होगा, इसकी सूचना अंबेडकर को 1 महीने पहले, एक हफ्ता पहले ही दे दी गई थी। जो सम्मेलन के जो आयोजनकर्ता थे उसमें प्रमुख नाम थे सुरेंद्रनाथ टिपनिस, सूबेदार सावरकर, अनंत राव चित्रे चित्रे, इन्होंने आयोजन किया था। 2 महीने तक, इस सम्मेलन से पूर्व 2 महीने तक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आसपास के जिलों सभी जगह पैदल जाकर इसके लिए मोबिलाइजेशन किया था। दलितों को कहा था कि आप इस सम्मेलन में आइए, बहुत महत्वपूर्ण है। सो फल ये हुआ कि जब सम्मेलन शुरू हुआ तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, 15 वर्ष की उम्र से लेके और 70 वर्ष की उम्र तक के लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए। गुजरात और महाराष्ट्र मिलाकर तकरीबन 10,000 लोग इस सम्मेलन में शामिल थे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सारे उपाय किए गए, प्रत्येक सुविधाएं जुटाई गई। और चूंकि वहां पे जहां पे ये कॉन्फ्रेंस था, सम्मेलन था, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए 40 रुपए देकर सवर्ण हिंदुओं से पानी खरीदा गया, पानी खरीद लिया गया। इसके बाद
सम्मेलन की शुरुआत हुई और इसमें डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण है वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये पूरा जो अगर आप क्राउड को देखते तो बेचारे गरीब अर्धनग्न व्याकुल स्त्री पुरुष बच्चे सब सब लोग इकट्ठे थे। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अध्यक्षीय भाषण दिया और ये भाषण छोटा लेकिन ओजस्वी पावरफुल भाषण था। उनके आवाज में एक अजीब सी मतलब अनोखी उत्तेजना थी। तो भाषण की शुरुआत उन्होंने दापोली में अपने अनुभव से की। दापोली में जहां वो उन्होंने पढ़ाई की थी, उनका बचपन बीता था, उसको याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब हम मतलब अछूत वर्ग के लोग उच्च जातियों को छोड़ दें तो अन्य जातियों से बेहतर थे। शिक्षा हमारे अंदर बेहतर थी, हम उन्नत थे और आगे थे। और ये दापोली ये एरिया एक तरीके से हमारे लोगों के लिए एक तरह का केंद्र था, उनके आंदोलन का कार्य करने का काम करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके बाद उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया, उस संदेश बहुत पावरफुल है और बहुत महत्वपूर्ण है। उस संदेश के गूंज महाराष्ट्र की पहाड़ियों घाटियों और गांव में भी सुनाई दी। उन्होंने कहा, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत पे भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो डीमिलिटराइजेशन हुआ है, विसैन्यीकरण हुआ है, वो हमारे पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है। पहले मिलिट्री में लोग अपॉइंट होते थे लेकिन कानून बना के ब्रिटिश हुकूमत ने सवर्णों के दबाव में आकर उन्होंने दलितों का प्रवेश सेना में वंचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि सेना में हमें अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सेना अधिकारियों के रूप में अपनी योग्यता एबिलिटी अपना जो साहस और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का हमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवसर अपॉर्चुनिटी मिला था, अद्वितीय अवसर मिला था। उन दिनों अछूत भी याद करते हैं कि उन दिनों अछूत भी किसी सैनिक स्कूल में हेडमास्टर हो सकते थे और सैनिक शिविरों की जो शिक्षा थी वो सबके लिए बहुत बेहतर थी। इस संस्मरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की ओर से उन अछूतों के लिए सेना के दरवाजे बंद करना विश्वासघात से कम नहीं है, क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति फ्रांस से युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश हुकूमत मुश्किल में थी उस समय भारत में कोई स्थापित करने में इन्होंने उनका साथ दिया था, तो उन्होंने कहा विश्वासघात था। इसके बाद बहुत ही इंस्पायरिंग लैंग्वेज में बहुत ही प्रेरक तरीके से उन्होंने कहा कि तीन तरह के शुद्धिकरण हमको करने की जरूरत है, जब तक यह नहीं करेंगे, तीन रिफॉर्म सुधार करने की जरूरत है, जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। पहला उन्होंने कहा कि आचरण में सुधार करना चाहिए, बोलचाल लहजा उच्चारण ठीक करना चाहिए और अपने विचारों को पुनः दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए, अपनी समझ को अपने आइडियोलॉजी को। इसलिए कहते हैं कि अतः मैं जब आपसे कहता हूं कि प्रतिज्ञा कर लें, वो ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिज्ञा दिलवाई थी उन्होंने कि प्रतिज्ञा करें कि सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। समय आ गया है कि अपने मन से ऊंच नीच का विचार त्याग दें और फेंके हुए टुकड़ों पे पलने का संकल्प न खाने का संकल्प करें, किसी का फेंका हुआ नहीं खाएंगे। वैसे आजकल बात अलग है कि बड़े बड़े लोग टुकड़ों पे ही पलते हैं, तो ये समझे जाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि हमारी आत्मोन्नति सेल्फ प्रोग्रेस तभी होगी जब हम स्वावलंबन अपने आत्मनिर्भर बनना सीख जाएंगे, अपना आत्मज्ञान सेल्फ नॉलेज प्राप्त कर लेंगे और आत्मसम्मान बार बार अंबेडकर के राइटिंग में ये बात आती है आत्मसम्मान पुनः प्राप्त कर लेंगे। वो एक जगह कहते हैं जो मेरे यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी है मैंने वही कोट लगाया है कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव ए लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। तो हम लोग तो बाबा साहब के बिगड़े चले हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन समझौता नहीं करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ही क्यों न लड़ना पड़े। खैर, उन्होंने अपने लोगों से यह आग्रह भी किया कि
सेना, नौसेना और पुलिस में उनके 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 प्रवेश पर जो पाबंदी लगी है उसके खिलाफ आंदोलन करें तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने तथा शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन करो अपने हकों के लिए, सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के। अब महानों के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने ललकारा एक तरीके से, उन्होंने कहा कि उनके आत्मसम्मान को ललकारा कि चंद रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने मानवाधिकार को बेचना नितांत अपमानजनक है और अनुरोध किया उन्होंने कि अपमानजनक दास्तापूर्ण परंपराओं को छोड़ दें, जमींदारी को त्याग दें, उनके यहाँ गुलामी वतनदारी व्यवस्था जिसको कहते हैं उसको छोड़ दें और कृषि संबंधी कार्यों के लिए वन भूमि का पता लगाएं। ऑल्टरनेटिव सोचिए कहाँ आपको जगह मिलेगा। तो उन्होंने बहुत ही टचिंग स्पिरिट में, बहुत ही हृदय स्पर्शी आवाज में उन्होंने कहा कि यदि माता पिता अपने बच्चों से अच्छी तरह बच्चों को अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं के लिए, यदि देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना होगा, नहीं देखना चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी स्थिति में तो माता पिता और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए, पास किए गए कि एक पहला कि हिंदुओं से अनुरोध किया गया कि वे अछूतों को अपने नागरिक अधिकारों को जो उनके सिविल राइट्स हैं उसको प्राप्त करने में सहयोग करें, उन्हें नौकरियों में लगाएं, अपने यहां नौकरियों में लगाएं, अछूत छात्रों को खाना दें और अपने मृत जानवरों को स्वयं दफनाएं। अंत में सरकार से अनुरोध किया गया कि वह अछूतों को विशेष कानून द्वारा सड़ा गला मांस खाने से रोकें, शराबबंदी का कानून लागू करें और उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, अछूत छात्रों के लिए छात्रावास में सहायता कर दें और स्थानीय निकायों को बोले प्रपोजल को लागू करने का आदेश दें, बोले प्रस्ताव जो पानी पीने वाला था महाड़ वाला, और यदि आवश्यक हो तो इस कानून को लागू करवाने के लिए जो इंडियन पेनल कोड है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है 144 उसको लगाने की घोषणा करें। सो पहले दिन सम्मेलन में दो सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं ने भी भाषण दिए और उन्होंने अछूतों के मांग को न्याय संगत ठहराते हुए उनको सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। रात में बैठक हुई, रात में यह तय हुआ कि टैंक पर जाना चाहिए और दलित वर्गों को अपने पानी पीने के अधिकार को स्थापित करना चाहिए। इन दो सवर्ण प्रतिनिधियों ने सिर्फ अंतरजातीय विवाह को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर जो प्रस्ताव था उनको उन्होंने समर्थन दिया। इसके बाद जो महाड़ नगर पालिका है उन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में टैंक से पानी लेने और अछूतों को के अधिकार को स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने टैंक से पानी लेने का अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए चौदार तालाब की ओर प्रस्थान किया, शांतिपूर्ण मार्च शुरू किया। सो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होने वाले थे। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ पानी का मसला नहीं था, ये पानी पीने का मसला नहीं था, ये एक तरह का प्रतीक था, प्रतीक था दास्ता विरोधी का, जातिवाद विरोध का और पुरोहित वाद विरोध, ब्राह्मणवाद के विरोध का एक प्रतीक था। यह सिर्फ पानी का मसला नहीं था, इसलिए यह बहुत ही युगांतरकारी घटना थी। अंबेडकर उस टैंक की ओर जा रहे थे जिससे तथाकथित अपर कास्ट हिंदू के साथ साथ मुसलमान और ईसाई भी पानी पीते थे, परंतु ईसाई और मुसलमान भी पानी पीते, उनसे समस्या नहीं थी, लेकिन जो अछूत हिंदू धर्म को मानते थे और हिंदू देवी देवताओं की ही पूजा करते थे
उनको पानी नहीं लेने दिया जाता, तो उस तालाब की ओर अंबेडकर बढ़ रहे थे, इसलिए इसका प्रतीकात्मक महत्व है। सिर्फ पानी लेने जाने का मतलब नहीं है, सीधे वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पे बौद्धिक प्रहार था। सो इस तरह अछूतों ने अपने नेता के नेतृत्व में पहली बार मार्च का एक ऐतिहासिक मार्च कर रहे थे। सबों ने प्रदर्शनकारियों जो मार्च की ओर जा रहे थे, सबनों ऊर्जा उत्साह दिखाया, शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे महाट की गलियों से होते हुए वो आगे बढ़े और चौदार तालाब पर पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं तालाब के किनारे खड़े थे और इतिहास की विडंबना देखिए कि शिक्षितों में शिक्षित, enlightened among the enlightened, किसी भी विद्वान से उस समय पढ़े लिखे लोगों से दुनिया के समकक्ष स्कॉलर, और वो भी हिंदू ही थे, और वो हिंदू ही थे अंबेडकर उस समय तक, लेकिन दुनिया में जा सकते थे, कहीं भी पढ़ सकते थे, लेकिन वहां तालाब से पानी नहीं पी सकते थे और न वहां किसी लाइब्रेरी में जाकर वो पढ़ सकते थे। तो ये अंबेडकर का वहां जाना, उस समय वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे, इंग्लैंड अमेरिका में वापस आ चुके थे, अंबेडकर का वहां जाना एक तरीके से जो सवर्ण अहंकार था उसको एक तरह से खुली चुनौती थी, इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो वहां जाकर, और उस समय चूंकि साइमन कमीशन भी आया था बाद में और गोल में सम्मेलन जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, वो बेसिकली सवर्णों की सोच का पोल खोल रहे थे कि जो यह शेखी पकड़ते थे कि हमारा धर्म तो ऐसा है जो जानवरों से भी सहिष्णुतापूर्ण बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने सहधर्मियों को, जो कोर रिलीजियस पीपल अनटचेबल्स, अपने समान धर्मियों को कुत्तों और बिल्ली से भी बुरा व्यवहार करता था। ये पोल खोल योजना थी अम्बेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर ने टैंक से पानी लिया, उसको पी लिया, और उसके बाद उनके बहुत सारे अनुयायियों ने भी उनका अनुसरण किया। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग अपने शिविर में लौट आए। सो इस घटना के बाद देखिए अब रोल कैसे, र्यूमर कैसे रोल प्ले करता है। इस घटना के बाद कुछ मिसगाइडेड जो अहंकारी सवर्ण हिंदू थे, उन्होंने झूठी खबर फैला दी कि अछूत वीरेश्वर मंदिर में भी प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। अब धर्म का मसला जानते हैं कितना खतरनाक होता है, कि योजना बना रहे हैं। सो इस पर ऐसे लोगों की एक भीड़ ने, सवर्णों की एक भीड़ बांस के डंडे के साथ गलियों में एकत्र होने लगे और एक तरीके से सारा जो रूढ़िवादी था वहां का, वो सब सशस्त्र खड़ा हो गया और एक जनसैलाब, एक जनसमूह बन गया। उन्होंने आह्वान किया कि धर्म खतरे में, और खतरा किससे था, जो अपने आप को हिंदू मान रहा था उससे, कि धर्म खतरे में है, और बहुत ही शोर मचाया कि भगवान भी अपवित्र कर दिया जाएगा, गॉड को भी इम्प्योर कर दिया जाएगा। तो जो र्यूमर का कोई आंख कान नाक नहीं होता, आज भी गोमांस के नाम पे कितने लोगों को मार दिया जाता है कि गोमांस लेके जा रहा था, या डाइन है, तो डाइन किसको बनाया जाता है, जो वाचाल, जो पुरुष सत्ता को चुनौती महिला देती है उसको गांव में सब डाइन बना देगा, बोल देगा इसके ऊपर चुड़ैल है और उसको बहिष्कृत कर देगा, मार देता है। तो रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे उत्तेजित सवर्ण हिंदू सब वो सम्मेलन के पंडाल की ओर बढ़े। उस समय बहुत सारे प्रतिनिधि जो है छोटे छोटे समूहों में, चूंकि शाम हो चुका था, अलग अलग घूम रहे थे, शहर में फैले हुए थे, कुछ पैकिंग कर रहे थे और कुछ गांव जाने से पहले वो खाना तैयार कर रहे थे। ज्यादातर लोग कस्बा छोड़ चुके थे। जो उपद्रवी वहां से आए वो पंडाल के प्रतिनिधियों की ओर झपट पड़े, उनका खाना उलट पुलट मिट्टी में गिरा दिया, बर्तन फोड़ फाड़ दिया और कुछ लोगों को बुरी तरह पीटा भी। So, पंडाल में पूरी अस्त व्यस्त फैल गई। So, इस समय तक ये रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू लोग पागल हो चुके थे। आज भी अपने आसपास सवर्ण देखिएगा, घोड़ी पे चढ़ने पे कैसे पागल हो जाता है, गांव में प्रवेश बंद हो जाता है, देखिए आसपास सब जिंदा है। अब पूना पैक्ट के समय जो हिंदू नेताओं ने शपथ लिया था वो भी याद रखिएगा, पिछले एपिसोड में मैंने बताया।
अछूत बच्चे, महिलाएं और प्रतिनिधि जो महाड़ की गलियों में टहल रहे थे, इस घटना से अचानक भयभीत हो गए और वो रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटके हुए व्यक्तियों को बहुत बुरी तरह पीटा गया। वो डर के मारे दौड़कर मुसलमानों के घर में जाकर छुप गए। उसके बाद कुछ समय बाद वहां के अधिकारी और पुलिस निरीक्षण पहुंचे, लेकिन वो उपद्रवियों के को रोकने में असफल रहे। तो 4 बजे वो यात्री निवास जहां अम्बेडकर और उनके प्रतिनिधि साथी ठहरे हुए थे, वहां पहुंचे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकारियों से कहा कि आप अपने लोगों को नियंत्रित कीजिए, उपद्रवियों को नियंत्रित कीजिए, मैं अपने लोगों को नियंत्रित करता हूं। और उसके बाद वो इंस्पेक्टर अपने 2 लेफ्टिनेंट के साथ घटनास्थल पर चले गए। तो गली में उपद्रवियों की दल ने, टीम ने उनको घेर लिया, अधिकारी को घेर लिया। आज भी देखिए सुबोध सिंह की हत्या हो गई ना, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह घेर लिया, परंतु उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश की और उन्होंने समझाया कि इन लोगों का मंदिर, जो अछूत लोग हैं, इनका मंदिर में जाने की कोई योजना नहीं है और कोई इस तरह का प्लानिंग नहीं है। और समझा बुझा कर वो स्थिति को जब थोड़ा कंट्रोल हुआ तो बंगले में वापस चले गए। सो इस समय तक अछूतों के तकरीबन 20 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एक डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने मरहम पट्टी की। इसके बाद उपद्रवियों ने मुख्य गलियों में गश्त लगाना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया और दलित वर्गों के उन सदस्यों पर हमला शुरू कर दिया जो छिटपुट अपने गांव जा रहे थे। लेकिन उसका सबसे जो खराब निंदनीय पहलू था वो ये था कि विभिन्न गांवों में उस तरह के लोगों को, जो उपद्रवी तरह के लोग थे, उनको ये सूचना भेजी गई कि ये दलित लोग अगर आपके गांव की तरफ से जाएंगे तो उनको वहां पीटा जाए, उनको दंडित किया जाए। सो इस आदेश का पालन करते हुए जो लोग, अछूत लोग जा रहे थे वापस, भिन्न भिन्न गांव में उनको पूरी तरह से पीटा गया, उनको हमला किया गया। सो इसी बीच प्रतिनिधियों पर इस क्रूर हमले की तरह आग की तरह फैल गई। जब अंबेडकर बंगले पर लौटे तकरीबन वहां 100 लोग उनके आदेशों के पालन का इंतजार कर रहे थे। अगर उनकी आंखों को देखा जाए तो उनकी आंखें जो है दहक रही थी, प्रतिशोध बदला लेने के लिए, काउंटर कार्रवाई करने के लिए, तो बेचैन थे वो बदला लेने के। लेकिन अंबेडकर ने विवेक का परिचय दिया, उन्होंने शांति बनाए रखने का अपने लोगों को अनुरोध किया कि आप शांति बनाए रखें। कुछ समय तक चुप्पी रही, एकदम वहां पे शांत रहा। अगर अंबेडकर उस समय कोई भड़काऊ शब्द बोलते तो वाकई महाड़ में बड़ा खून खराबा बर्बादी हो जाती, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग गुंडे बदमाश थे उनसे कहीं ज्यादा संख्या अछूतों की वहां पे थी। तो अगर जवाबी कार्रवाई करते तो स्थिति बिगड़ जाती और उन गुंडे को खोपड़ी फोड़ देते उनको। और दूसरी बात कि अछूतों में ऐसे कई लोग थे उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध के मैदान में लड़ चुके थे और उन्होंने सक्रिय भाग लिया था, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग वाले लोग भी वहां पे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुरोध का उन्होंने सम्मान पूर्वक पालन किया और अनुशासन बनाए रखा। संघर्ष इनका अहिंसक और संवैधानिक था, उन्होंने कानून तोड़ने की कोई कल्पना नहीं की थी। इस प्रकार एक बहुत ही गंभीर दंगे को रोक दिया गया। शाम होने पर सभी प्रतिनिधि अपने अपने गांव को चले गए। डॉक्टर अंबेडकर अपने समर्थकों के साथ यात्री बंगला खाली किया, क्योंकि वो किसी ऑफिसर के लिए बुक था, और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में ही जाकर रुके। दंगों की जांच करने के बाद 23 मार्च को वो बंबई लौट आया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, उन्होंने कुछ दंगाइयों को गिरफ्तार किया। 9 रूढ़िवादियों में से, दंगाइयों में से तकरीबन 5 को 6 जून 1927 को जिलाधीश ने
चार माह की कठोर सजा सुनाई। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में एक टिप्पणी की थी कि यदि जिला में मुख्य अधिकारी गैर हिंदू न होते तो अछूतों के साथ निष्पक्ष रूप से जांच नहीं होती और न ही उन्हें न्याय मिलता। उन्होंने कहा कि यदि पेशवा शासन काल रहता तो उन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता। सारा रिमेम्बर करते हैं कि उनके सामान्य पेशवाओं के काल में शहरों में प्रवेश करने की उनको अनुमति नहीं थी, या जब उनको प्रवेश करने की अनुमति होती थी तो घड़े में मटका बांधकर उनको जाना पड़ता था। इसके बाद अखबारों की रिपोर्टिंग है कि अखबार में क्या क्या रिपोर्टिंग की गई और बहुत ही मामला गंभीर बन गया। लेकिन ये मिला जुला के देखना पड़ेगा, आगे विस्तार से और भी चर्चा करेंगे कि ये पहला खुला चैलेंज था, चुनौती था, और एक कलेक्टिव जो स्ट्रेंथ होता है उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन था, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो यह सम्मेलन हिंदुस्तान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी और इस घटना ने अंबेडकर के जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला। कि कहते हैं ना कि व्यक्तिगत अनुभव आदमी के पूरे आइडियाज को शेप करता है। अगर गांधी को ट्रेन से नहीं फेंका गया रहता और वहां पे उनको बिरयानी और खाना खिलाया गया रहता, सैंडविच, तो शायद वो आक्रोश उनमें नहीं आता जो राष्ट्रीय आंदोलन में आया। तो इसलिए कहते हैं कई बार व्यक्तिगत अनुभव का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब लाखों जो डिप्रेस क्लास के लोग थे उन्होंने एक नया चैप्टर जोड़ा था और अपने उनको एक नायक मिला था, एक नेता मिला था जो उनके चीरकालीन शिकायतों को व्यक्त करता, उनके उनके शिकायतों को ओजस्वी और प्रभावपूर्ण तरीके से सभी मंचों पे रख सकता था। तो इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कई लोगों ने सड़ा गला मांस खाना छोड़ दिया, पशुओं के श्रमों को उतारना छोड़ दिया और सवर्णों से रोटी के टुकड़े मांगना छोड़ दिया। तो ये एक बड़ी घटना थी। तो अब आखिर हुआ कि भाई अब तो तालाब अशुद्ध हो गया है, तो इसका शुद्धिकरण कैसे हो। तो इसके बाद शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हुई सवर्णों के द्वारा। शुद्धिकरण का तो एक ही तरीका है, गाय गोबर माटी, बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो ये घटना वहां भी रिपीट हुई। क्या क्या हुआ जरा मैं बताता हूं कि टैंक के शुद्धिकरण के लिए बीरेश्वर मंदिर में एक बैठक बुलाई गई। उपाय एक ही था कि गोबर गौमूत्र दही पानी का मिश्रण करके उससे शुद्धिकरण करना। तो इसी अनुसार 108 मिट्टी की हांडियों में टैंक से पानी लिया गया। दही, गाय के गोबर, दूध और गौमूत्र से भरी इन हांडियों को चुने हुए ब्राह्मण पुजारियों द्वारा एकदम हवा को चीरने वाली मंत्रोच्चार, गगन भेदी मंत्रोच्चार के बीच टैंक में डुबाया गया। इसके बाद यह घोषणा की गई कि सवर्ण हिंदुओं के उपयोग के लिए पानी शुद्ध कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दिलचस्प है, गगन भेदी मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण हुआ गोबर और गोमूत्र के साथ। अब इस समय सवाल पूछेगा, उस समय ईसाई और मुसलमान क्या कर रहे थे? तो ईसाई मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं थी, उनको उनके यहाँ अनटचेबिलिटी था नहीं। तो जब तक ये पानी नहीं पिए सवर्ण हिंदू लोगों, तो पानी आराम से मजे में पी रहे थे। तो इसके बाद ये फैली जब कि भाई सवर्णों ने शुद्धिकरण किया है, तो इसका आक्रोश बहुत तेज दलितों में आया। अम्बेडकर भी गुस्से में आए और बोले कि ये सिर्फ शास्त्र पढ़ने और कोट करने से और बात विमर्श करने से काम नहीं चलेगा, ये हजारों वर्ष पुरानी बीमारी है, इसके ठीक करने के उपाय जो है वो अलग तरीके से होंगे। उन्होंने कहा कि बीमारी गहरी जम चुकी है और केवल ज्ञान की मरहम पट्टी करके अथवा निष्कपट योजनाओं, खाली कानून बना देने से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। घातक बीमारियों की अचूक अमूल उपचार करने की जरूरत होती है। तो इसी के अनुसार
26 जून 1927 को बहिष्कृत भारत के झंडे तले बहिष्कृत भारत ने यह घोषणा की कि अब महाड़ में सत्याग्रह प्रारंभ होगा, शुरू होगा। तो ये है एक पृष्ठभूमि। अब महाड़ आंदोलन में इसके बाद क्या हुआ यह जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। कई एपिसोड बना हुआ इसमें महाड़ पे 6-7 एपिसोड बनेंगे, आपको सब देखना है, सब सुनना है। तो कई घंटे हम लगाते हैं, आप आधे घंटे में बात सुन लिया कीजिए और सुनाइए भी। तो साथियों जय भीम, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।